हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं बिना मुख धोए। तो अभी वीडियो की शुरुआत हो गई है, सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। मौसम की बात की जाए तो धूप बढ़िया से आ गई है, हल्की फुल्की धूप है और बढ़िया सा मौसम बना हुआ है। बाकी यहाँ पर गौरी की माँ गौरी को थोड़ा सुलाने में लगी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उठी हुई है, तो उसको सुलाना भी ज़रूरी है, तभी जाके और काम होते हैं, नहीं तो कुछ भी काम करने नहीं देती है। बाकी यहाँ पे माँ भी लग गई है बर्तन वगैरह धोने पर सुबह सुबह। बाकी अर्चू भाई भी आ गए हैं छन्नी से, तोल रखा हुआ है मुड़ में। अर्चू भाई नमस्कार, ठीक ठाक हो हैं? चलो ठीक ठाक रहना चाहिए। बाकी माँ भी लगी हुई है यहाँ पे भांडे कुंडे रगड़ने पे, तो उनको रगड़ना पड़ता है क्योंकि चूल्हे के भांडे हैं, अगर रगड़ोगे नहीं तो जो उनका कालापन है वो जाएगा नहीं। बाकी भाई दोस्तों कल शाम की अपडेट बताता हूँ, कल शाम को क्या हुआ कि अपना ये वाला पूरा जंगल क्या है, ये वाला ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फूक गया है, क्योंकि ये काला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा फूक गया। बाकी रात को भाई साहब बाघ ने दस्तक भी दी थी इधर, तो बाघ भी लगातार मतलब ना अपने घुराटे मार ही रहा था ठीक 9-10 बजे तक। ये देखो साइड बाय साइड से दिखाता हूँ भाई दोस्तों, ये पूरा ना फूक गया, ठीक वहां तक फूका है, उतने नीचे तक फूका है, ये यहाँ तक देखो, देखो पूरा जंगल क्या काला भट्टा हो गया है। आज है भाई दोस्तों संडे का दिन और 19 तारीख है। आज मेरे पास बाल काटने वालों की बहुत सारी डिमांड है, लगभग 4 लोग है भाई दोस्तों। इन 4 लोगों को मैं लगभग 1 महीने से टरका रहा हूँ, मैंने कहा कल काटेंगे, बीच में मेरी मशीन भी खराब हो गई थी, नहीं तो मैंने बाल काट देने थे। बाकी अगर आज टाइम लगता है तो 10 बजे के बाद इनके बाल सभी के काटे जाएंगे, और थोड़ा बहुत जो काम वगैरह है, बल्ली वगैरह इधर उधर करवानी है, पत्थर इधर उधर करवाने हैं, वहाँ से उनको जगह बतानी है, सबसे पहले मैं वो वाले काम निपटाऊंगा, और उसके बाद जितने मेरे कैंडिडेट बचे क्या हुए हैं बाल वगैरह काटने के, सबके बाल काटूंगा। फिलहाल तो मैंने अपना ट्रिमर चार्ज पे लगा दिया है। तो सुबह सुबह भाई दोस्तों दीदी भी उठ गई है बिल्कुल मस्त करके, अभी यहाँ पे घाम ताप रही है। घाम ताप रहे आजकल गर्मी से मर रहे हैं, घाम ताप रहे ये सुबह सुबह बूंदे घाम ही ताप रहे हैं यहाँ पे मस्त करके। बाकी वो मैडम जी पता नहीं क्या खोज रही है, मैडम जी क्या हो गया? अच्छा गोर ले जा रहे, गोर तो चले जाएंगे बूंदे, आजकल गर्मी है, जंगल चारों तरफ आग लगी हुई है, कहाँ ले जाने गोर है? अरे मोते जल में। हाँ मोते जल में सको सारे दिखा दो, उन तो सब एक पर लगी, हम नहीं बंद के ले जाएंगे, वही तो बकरे तो लागा सी है, आका दो है, आका दो ठीक है ना भाई, गाल नहीं खाएं गाल नहीं खाएं, हम तो गोर गार नहीं है, ब्लू पर गाली देके डर लगे। हाँ डर तो लगे थी सी, आप कब ची गल दुआ पहले छा गल दुआ गल दुआ भी सी सही सी कम से हम नहीं बना था, हम भी तो बना था। हाँ तो बच्चे से ठीक से था, बच्चे कर रहे हैं मुझे। आग की अपडेट तो क्या ही दूं भाई दोस्तों मैं आप सभी को, चारों तरफ आजकल आग लगी है, सभी को पता है दीवा डांड वैली में डेली की तरह यहाँ देखो धुंध लगी हुई है। बाकी अंशु कंडारे हमारे यहाँ पर मस्त करके धूप सेक रहे हैं। कंडारे जी राम राम। अच्छा राम राम, खोचा तो मैं। अच्छा उठ गया, नींद खुल के आई कहा ना, नींद रहा थी यार, रात बबड़ा तो बहुत तुम यार। अंशु ना दिन में जो कुछ बोलेगा ना वो रात को पूरा बोलता रहता है। दादी भी भाई दोस्तों यहाँ देखो सुबह सुबह चली गई है खेतों में, तो लगी हुई है अपने खेत बनाने पे। पहले तो उन्होंने वहाँ पे देखो सिगड़े साइड किए, अब और चीज करने पे लग गई है। तो दादी पता नहीं कब नाश्ता करती है, कब जाती है, क्या बात है। आज तो भाई दोस्तों डब्बू की बढ़िया सी गौ आ रखी है, आज तो अंशु को भी यहाँ देखो कुरकुरे वगैरह खिला रहा है, नहीं तो इसकी गौ नहीं आएगी ना जब तक कुछ भी कर दो, ये कुछ भी नहीं देता है डब्बू। हाँ चलो भाई, बॉडी लोग भी लग गए हैं, चाची लोग भी लग गए हैं सुबह सुबह काम पे, दिहाड़ी पे लग गए तुम्हें? ना ना ठीक है बहुत बढ़िया, नाश्ता विकार के भी नाश्ता करे को बात ठीक है, फिर फिट है। नाश्ता करने के बाद भाई दोस्तों हिसाब किताब जो है वो फिट फोर हो जाता है, मेरा भी हो गया है। फिलहाल बॉडी जी आए हैं यहाँ पे बाल कटाने के लिए, जरा मेरे काम कराना है वही बात तुरंत। हाँ यार मशीन लगाई ठीक है। हाँ तो इतना काम यहाँ हो गया है भाई दोस्तों, कल से मैं यहाँ आया नहीं था, दिन तक ही था मैं, तो उसके बाद मैं यहाँ आया नहीं, तो इतना काम धाम हो गया है। बाकी जो पत्थर वगैरह है तो इनको थोड़ा सा मुझे अलग करवाना है, बाकी यहाँ पर उनको पिट की जगह भी बतानी है, और साथ ही ये जो पसने क्या है इनका भी यहाँ से थोड़ा ट्रांसफर करवाना है। तो अभी आए नहीं है, जब वो आएंगे तब करेंगे, और मैं फिलहाल तो फटाफट जब तक वो आते हैं तब तक एक दो आदमियों के बाल तो काट ही दूंगा।
अभी मैंने सड़का दिया भाई दोस्तों, 5 लोगों के बाल सुबह से फटाफट भाई 1 घंटे में साफ। मशीन रहती है ना जब, तो उस टाइम भाई बढ़िया रहता है। वैसे भी मैंने वो 1 महीने से टरका रखे थे सबके सब, मैंने कहा अभी काटूंगा क्योंकि मेरी मशीन खराब थी। बीच में कोई घर से ट्रिमर ले गया और उसने उसका जैक तोड़ दिया, तब बड़ी मुश्किल से उसको बनवा के लाया। तो उस दिन वो बना नहीं, फिर दूसरे दिन भेजा तब वो बना। तो अब जाके मैंने सबके काट दिए, बस 2-3 बच्चे और बचे हुए हैं, उनके काटने अगले संडे। मैंने बोला था उनको कि पसीने यहाँ रख देना, तो उन्होंने यहाँ रख दिए हैं। तो यहाँ देखो ये एक ही साइड के हैं, शायद दूसरे साइड के तो पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि वहाँ ऊपर कोलर पीछे रखे हुए हैं, बट यहाँ जगह थी तो यहाँ जगह मांगी और यहाँ रखवा दिए। साइड पे आ गया हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है। बाकी यहाँ पे देखो हमारी महिला शक्ति ना यहाँ से पत्थर वगैरह ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इधर देखो ये पीछे की दीवारें रह गई हैं, बाकी ये लगभग टूट गई हैं। अभी ये बल पहले ये खाली किया जाएगा, जो आगे का सिस्टम क्या है ये सारा खाली किया जाएगा और उसी के बाद बोलो पीछे वाली दीवारें छेड़ी जाएंगी। बाकी यहाँ पे है करण भाई, करण भाई को देखो भाई साहब, उनके बाल तो देखो पहले तो भाई सेम अक्षय कुमार वाले इनके बाल हैं भाई। इनको रोल मिलना चाहिए जरूर से यार। रोल चाहिए तुमको? नहीं चाहिए? रोल मिल जाएगा ना करण भाई को तो मजा आ जाएगा। करण भाई कर दोगे 25 दिन में पैसे डबल? नहीं कर पाओगे? अरे कर दोगे तुम यार। ठेकेदार जी का क्या प्लान है भरत भाई, चले गए? चले गए? अच्छा कब तक लौटेंगे? बल लग जाएगी 15-20 दिन है ना? हाँ हो सकता है इतना तो लगे। हाँ उसमें तो फिर लगेगा ही टाइम। अपने ठेकेदार जी भाई दोस्तों निकल गए हैं नेपाल की तरफ, थोड़ा सा उनका इमरजेंसी काम आ गया था घर से, तो वो उधर साइड चले गए हैं। बाकी यहाँ पे भाई जी भी लगे हुए हैं। भाई जी क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास है? चलो बढ़िया, लगे रहो हैं। बाकी लगे हैं ये पत्थर देखो यार, पत्थर इतने बड़े बड़े भाई साहब, इन दीवारों पर कैसे चढ़ाए होंगे यार। अब पूरी दीवारों पर भाई दोस्तों ऐसे ही पत्थर निकल रहे हैं, इनसे बड़े बड़े भी निकल रहे हैं कई बार तो यार। अरे वाह, चाय लेके आ गए हैं जी हमारे अंशु कंडारी जी, आ जाओ जी दे दो, नहा लिए तुम? वाह क्या बात है, फर्स्ट क्लास लग रहे हो, जरा हेलो कर दो जरा, हेलो। आ जाओ, चाय आ गई, चाय पियो पहले। गोपाल ने भी कहती 15,000 पठाई दिया क्या हो? भारू हो कि नेपाली हो त्यो थाहा छैन, अब त्यो कति हो क्या हो, अब मैले चाहिँ 15,000 भन्ने हो भारू। लो भाई अपनी घास वाली पार्टी भी आ गई है, तो घास लेके भी आ गए हैं यहाँ। और यहाँ देखो आज ना थोड़ा कालू की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो थोड़ा एक वैसा सा लग रहा होगा, बट हो जाएगा ठीक। चलो भाई, ये हाथ पे थोड़ा माँ की फुंसी वगैरह भी हुई थी, तो ये भी शायद ठीक होने लग गई है, अब ठीक हो गई है। सीजन के पहले कापल तो मैंने कुछ दिन पहले खा लिए थे भाई दोस्तों, बट देखो इतनी मात्रा में पहली बार देखे हैं। तो इनको लेके आया है ऋषभ, तो ये ठीक हो गए हैं, अब ठीक ठाक चखने को मिलेंगे। बाकी बहुत सारे लोग हैं, सब में प्रसाद के माफी का आ जाएगा। लो माता श्री, हाथ करो, ये प्रसाद है ठीक है। काचा भी, अरे नसीब होगी तो बहुत से नहीं पड़ जी है, तुम्हारी किस्मत हम तीत गई थी, देना चाहिए। लिया
दी हाथ कारण करण भाई ये लो प्रसाद है चखो सीजन के पहले कापल चखो इससे पहले खाए तुमने जी इस साल ना इस साल नहीं खाए ना नहीं। चलो तो इनको खाओ ये लो प्रसाद ये प्रसाद है कापल ताजे ताजे भरत भाई ये लो प्रसाद लो जी हद दिया हद कर दिया मैं पोड़ जाना शवादन लौट जा खाना आयो थे ठीक से लाओ जी लाओ जी लाओ लाओ जी प्रसाद दिया हाथ कर दिया मैं पोड़ जाना जी ए ये लिया मजा आ गया है और खाना जी की तुम ला लाओ तो लाओ लाओ अभी भाई दोस्तों बारिश ना कम ही पड़ी है उसकी वजह से थोड़ा बहुत खट्टापन इनमें अभी भी है। जिस दिन बारिश पड़ गई और उसके बाद भाई दोस्तों इनमें ऐसा रस भर जाता है ना और रस मीठा हो जाता है बड़े खतरनाक होते हैं। कई कापल तो इतने खट्टे हो जाएंगे जहाँ तो फिर लगने लग जाती है। मिले भाई दोस्तों हमारे घर के सबसे खूबसूरत इंसान से भाई साहब क्या बात है आज तो चमक मार रहे हैं कैसे हो बढ़िया क्या बात है आज चमक मार रहे हैं यार नया है ना ओके ठीक है और बताओ क्या हाल चाल है बढ़िया दर्शक जानना चाहते हैं आप वीडियो में कमी आ रहे हो आजकल बिजी हो गोरी के साथ बल आजकल थोड़ा काम काज चल रहा है ना उसकी वजह से है ना अभी हमारे यहाँ भाई दोस्तों यहाँ देखो बुआई भी शुरू हो चुकी है तो फिलहाल तो यहाँ देखो अभी शायद पहले स्टार्ट किया है भाभी लोगों ने उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे गांव वाले भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो ऐसा ही सीन है भाई दोस्तों एक स्टार्ट करता है तो उसके बाद पूरे गांव वालों को हड़बड़ी मचनी शुरू हो जाती है कि हमारा कब बुआई होगी। तो बाकी अभी भाई दोस्तों 4:30 का टाइम हो गया है और मैं जा रहा हूँ घास लेने के लिए। तो यहाँ लगा रखे हैं भाई दोस्तों हमारे यहाँ पे घास के बिटगे तो यहाँ से लेके जाएंगे अभी हम। तो बाकी यहाँ पे भाई हमारे ऋषभ भाई भी हैं जो कि मस्त करके चमक मार रहे हैं भाई साहब आज इनके भी बाल काटे मैंने बिल्कुल मस्त। बाकी काना भी है ये अपना तिमले का पेड़ है भाई दोस्तों इस पे लगभग नहीं भी आते तो 3-4 पलकुनिया घास आ जाता है तो हर साल हम इस पे घास वगैरह लगाते हैं। बाकी इस पे देखो तिमले भी हो रखे हैं मस्त करके अपने फंजे हो गए हैं भाई तैयार। आजकल हम लगातार सार रहे हैं घास इधर तो वैसे आग का डर है नहीं बट फिर भी घर में ले जाएंगे तो सही हो जाएगा है ना स्टोर करके रख देते हैं। दर्रे भी लग गया है तो बिल्कुल हो गया बाज निकल गया भाई निकल गया। अरे भाई आज गार क्यों हो रहे फंसनी है नीचे आज है ट्रैफिक भी नहीं चलता बिगाड़ फंसनी एक आध गाड़ इधर खड़े हो जाने से दिक्कत होनी अचानक से भाई दोस्तों मौसम की ना तबीयत खराब होने लग गई है हवा चल रही है बड़ी भयंकर वाली। यहाँ देखो भाई पूरी दीवा डांड वैली में काले बादल छा चुके हैं इधर भी भयंकर हल्की फुल्की बूंदा पानी होने लग गई है इधर साइड भी भाई मौसम खराब हो गया है तो मुझे लग रहा है अब बरखा आ जाएगी काफी तेज हवा चल रही है बरखा के चांस कम है बट आ जाए तो बढ़िया ही है। वो जी जिसका इंतजार था वो भी आ गया भाई बारिश भी पड़ने लग गई है मस्त वाली अब जरा ठीक ठाक हो जाएगा मौसम और जो चारों तरफ आग वगैरह लगी क्या है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगी। बारिश आ गई भैया है बढ़िया हो गया ठंडी पड़ गई गर्मी हो रही थी हाँ गर्मी बहुत हो रही थी हाँ बढ़िया हो गया। कहाँ जा रहे हो तुम जय भैरव बाबा की हाँ खूब कह रहे हाँ बारिश बंद होते ही भाई दोस्तों यहाँ पे महेश भाई लग गए हैं मस्त करके यहाँ पे देखो इनकी चिड़ाई करने पे तो बढ़िया से पत्थरों का चट्टा बनाया जाएगा यहाँ पे क्या बात है महेश भाई लग गए हैं काम पे। हाँ जी पटवारी जी
चलो बढ़िया लगे रहो हैं। हमने कहा थोड़ी सी टाइम मिल गया था भाई कर। ना ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई दोस्तों 10 मिनट बाद भाई दोस्तों बारिश की भी हैप्पी एंडिंग हो गई है और आज के ब्लॉग की हम भी हैप्पी एंडिंग कर लेते हैं। तो चलिए भाई दोस्तों कैसी लगी आप सभी को वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ सबके साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।